चलिए और एसएमएस अस्पताल से बड़ी और अहम खबर आपको बताएं, जो कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती, कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती, इस वक्त की अहम खबर। विकास हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। विकास, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में, कौन है ये संदिग्ध मरीज, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जयपुर के अंदर एसएमएस अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां कुछ ही देर पहले एक कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज जो है वो भर्ती हुआ है। इस मरीज के बारे में बता दें हम आपको, एमबीबीएस करके, चाइना से एमबीबीएस करके लौटा था और लौटने के बाद में इनको बुखार की शिकायत थी, उसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जैसे ही भर्ती हुआ और उसके बाद में जो हिस्ट्री चेक की, बताया कि ये चाइना से आया हुआ है, उसके बाद में अस्पताल प्रशासन तत्काल प्रभाव से अलर्ट हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलर्ट जारी है। जिस तरह से चाइना के अंदर 45 से अधिक लोगों की जान ले चुका है ये वायरस, उसके चलते पूरे देश भर में जो अलर्ट है उसी के तहत एहतियातन स्क्रीनिंग के अंदर इस मरीज को चिन्हित किया गया है, और उसके बाद में अब इसको मरीज को अस्पताल में आइसोलेट करके रखा गया है, और साथ ही इसके सैंपल जो है वो पुणे भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी विकास, ये जो सैंपल भेजा जा रहा है वो कब तक क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी जैसे संदेह है तो क्लियर कब तक हो पाएंगी चीजें, कुछ समय का पता चल पाया है विकास? देखिए, इस पूरे मामले में बता दें अभी सैंपल जो है पूना भेजा जाएगा, उसके उसमें करीब 3 से 4 दिन के सैंपल भेजने के बाद में रिपोर्ट आती है, 2 से 3 दिन उसमें लगते हैं, लेकिन अभी जो एहतियातन जिस तरीके से प्रोटोकॉल जो फॉलो किए जाने चाहिए कोरोना वायरस को लेकर के, वो प्रोटोकॉल जरूर फॉलो कर दिए गए हैं, ताकि एहतियातन, ताकि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि वो केस पॉजिटिव निकलता है तो उस स्थिति में केस आगे नहीं फैले, इसलिए प्रोटोकॉल निभाते हुए पूरा जो है उसको आइसोलेट कर दिया गया। इसके साथ ही हम आपको एक और अपडेट दे दें कि राजस्थान में कुल 18 मरीज जो हैं, कुल 18 यात्री जो हैं चाइना से पिछले दिनों में जयपुर राजस्थान पहुंचे हैं, और उन 4 जिलों के ये यात्री थे जो कि राजस्थान में पहुंचे हैं, और इसी को मद्देनजर जब केंद्रीय टीम ने जब इसके बारे में सूचना दी है और सभी यात्रियों के बारे में राजस्थान सरकार को सूचना दी है, तो चिकित्सा विभाग ने अलर्ट मैसेज जो है 4 जिलों के जो CMHO है उनको जारी कर दिया है, तत्काल प्रभाव से कहा है कि उनकी सूची, बाकायदा उन यात्रियों की सूची भेजी गई है, और साथ ही कहा गया है कि इन सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाए, साथ ही 28 दिन का प्रोटोकॉल जो है वो इनका निभाया जाए, ताकि ये फैला जो केस जो चाइना के अंदर सामने आ रहे हैं उन केस के बारे में पूरी जो एहतियातन बरती जाए, राजस्थान के अंदर इस तरह का कोई केस मिलता है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको सेग्रेट कर लिया जाए। इसी प्रोटोकॉल के तहत आज ये केस जब SMS अस्पताल पहुंचा था, तो पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन ने उसको अलर्ट मोड पे लिया, तत्काल प्रभाव से उसको आइसोलेट करते हुए उसके सैंपल जो है पुणे भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, चलिए बड़ी खबर बता रहे हैं विकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सहयोगी विकास, तमाम जानकारी देते हुए कि किस प्रकार से ये संदिग्ध जो है मरीज वो अस्पताल में भर्ती है, बहरहाल देखना ये होगा कि जब सैंपल आता है 3 से 4 दिन के बाद तो क्या कुछ बातें सामने आती हैं।